बात है तो ठीक है, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद में आप लोग राधे श्याम को खोज दे चौपड़ पर मत। मुझे पता आप मुझे ज्यादातर वहां जाके खोजेंगे राधे श्याम कहां। तो राधे श्याम आपको वहां नहीं मिलेगा, पर सिलेक्शन तो होना ही था ना गौरव जी, इतना ब्रिलियंट आदमी पुलिस में नहीं चाहिए क्या? देखिए मित्रों दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है, जिंदगी में सबसे बड़ी हिम्मत का काम ये होता है कि एक आदमी अपने पर किए गए तंज को खुद झेले ही नहीं बल्कि माने भी और उसे एंजॉय करे। ये बहुत बड़ी जिंदा दिली का काम है, इसलिए नहीं कि दूसरों पर ऐसा नहीं, इसलिए कि अपनी रूह पर ऐसा है। वो जीने का तरीका, उसको जीने के लिए जो सबक चाहिए वो उसके अंदर से फायदा होता है। सवाल पुलिस का नहीं है, किसी का भी हो, अपने पर किए तंज को, पुलिस पर किए तंज को, एक पुलिस वाले के मुंह से आप सुन रहे हैं, इसको सामान्य हंसी मजाक की बात नहीं है। इसको यूं समझिए कि मैं उसको दूसरे रूप में देखता हूं कि पुलिस वाले डंडा भी चलाते, लेकिन पुलिस वाले कई बार गुलाब का फूल देकर गांधीगिरी भी करते। ये गांधीगिरी थी, ये जो कहते हैं ना मैं कवि नहीं हूं, अरे भाई आप ऐसे कवियों के रूप वाले कवि नहीं, लेकिन आपका काव्य मन ही यहां बोल रहा था, वरना ये काव्य पंक्ति आपको कैसे याद रहती। आपका कवि होने का सबसे बड़ा सबूत है कि आप ये याद रखे हैं, और ये आपने आज वर्दी पहने हैं लेकिन गुलाब का फूल, ये गांधीगिरी थी। इसलिए इनकी जो काव्य क्षमता है उस पर हमें शक नहीं है, लेकिन अब देखते हैं ये उसका उपयोग कब करते हैं। और आज यहां पधारे हैं तो हम इनके लिए यही कहेंगे कि आपकी बातें करें या अपना अफसाना कहें, आपकी बातें करें या अपना अफसाना कहें, होश में दोनों नहीं है, किसको दीवाना कहें। तो पुलिस वालों को देख के वैसे तो लोग बेहोश होते ही है ना, लेकिन आज जो जलवा है ये काव्य रूप का। अब देखिए हम वहां से उस नुक्कड़ से यहां तक इस नुक्कड़ तक आने की कगार पर है। और मित्रों मैं ये चाहूंगा कि हम अब जिस शख्सियत को यहां सुनने के लिए जिनसे मैं गुजारिश करूंगा आपकी ओर से, तो उनके लिए एक शेर अर्ज कर रहा हूं। बेशक यहां मौजूद इन दूसरी शख्सियत के अलावा आप सबके लिए भी बहुत दिल को छूने वाली बात किसी और शायर ने कही है, मैं तो उठ गई हूं तो उठा के आपके सामने रख रहा हूं। जिनसे मिलके जिंदगी से इश्क हो जाए ऐसे लोग, मेरी मुराद आप सभी से है और विशेषकर इधर से है, जिनसे मिलके जिंदगी से इश्क हो जाए ऐसे लोग, आपने देखे न देखे हमने देखे हैं ऐसे लोग। जोरदार तालियों के साथ में हम निवेदन कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं प्रभाकर जी से कि वे अपना काव्य पाठ। जब से पहचान हो गई तुमसे, तन कहीं और मन कहीं और रहता, शब्द में भावना का जोर रहता है, जीवन में सुख दुख का दौर रहता है। जब से पहचान हो गई तुमसे, तन कहीं और मन कहीं और रहता है, नदी के तीर पर लग रही प्यास, नदी के तीर पर लग रही प्यास है, याद की पीतर चुभ रही फांस है, रहस्यमय रूहानी जंगल में गंतव्य मेरे तुम्हारी ही तलाश है। जिंदगी कहीं पर प्रश्न हो गई, जिंदगी कहीं पर प्रश्न हो गई है, जिंदगी कहीं पर जश्न हो गई है, प्यार से राधिका ने जो निहारा उसे, जिंदगी यहीं पर प्रश्न हो गई है, जिंदगी कहीं पर प्रश्न हो गई है, जिंदगी कहीं पर जश्न हो गई है, राधिका ने जो प्यार से निहारा उसे, जिंदगी यहीं पर प्रश्न हो गई है। मंदिर मस्जिद से दूर हो जाऊं, मंदिर मस्जिद से दूर हो जाऊं, सबकी आंखों का नूर हो जाऊं, देवता पैगंबर बनूं न बनूं, फकत इंसान जरूर हो जाऊं। मंदिर मस्जिद से दूर हो जाऊं, सबकी आंखों का नूर हो जाऊं, देवता पैगंबर बनूं न बनूं, फकत इंसान जरूर हो जाऊं। किसी नयन हो न पावस कभी, किसी का नयन न हो पावस कभी, किसी के मन में हमावस कभी, काबिले गौर है यूं तो लंबा सफर,
मजे पर खुशी की प्रखावज कभी नफरतों के माहौल में जिंदा हूँ मैं, नफरतों के माहौल में जिंदा हूँ मैं, उनकी बदसलूकी और शर्मिंदा हूँ मैं। मेरे तेरे की सतह से काफी ऊपर ऊंचे आसमानों का परिंदा हूँ मैं। हथेली पे सरसों उगाओ तो जाने, हथेली पे सरसों उगाओ तो जाने, अपने खुशबू से बगिया महकाओ तो जाने। नफरत की कटीली नाक फनियों के बीच प्यार का पौधा लगाओ तो जाने। हर दिशा में देवता वास करते हैं, हर दिशा में देवता, हर दिशा में देवता वास करते हैं, सबके लिए हम दुआ खास करते हैं। खुश नसीबी कहलाते हैं, खुश नसीब कहलाते हैं वो इस जमाने में जिंदगी में चाहत की जो सुवास भरते हैं। बात को, बात को जरूरत आई है इस बात पर, तो जिंदगी में जो चाहत की सुवास भरते हैं जी। जज्बात लफ्जों के मोहताज नहीं होते, जज्बात लफ्जों के, जज्बात लफ्जों के मोहताज नहीं होते, मुश्किलात में अपने भी साथ नहीं होते। दुनिया जीतने के बाद कोई गुमा न करे अपने से हार हुए कभी सरताज नहीं होते। फिर से मुकर्रर शब्द फिर से कहिए, ये चार पंक्तियां फिर से। जज्बात लफ्जों के मोहताज नहीं होते, मुश्किलात में अपने भी साथ नहीं होते। दुनिया जीतने के बाद कोई गुमा न करे अपने से हारे हुए कभी सरताज नहीं होते। बहुत बहुत विकास की बल्लरी को हम सींचेंगे, विकास की बल्लरी को हम सींचेंगे, हृदय के हृदय का उल्लास भी नीचेंगे। इस बार स्वयं दीप बनकर हम रोशनी की बड़ी लकीर खींचेंगे। जरूर जरूर। दामिनी का दमन हो नहीं सकता, दामिनी का दमन हो नहीं सकता, विष का आचमन हो नहीं सकता। अबला के गूंजेंगे जब अनंत स्वर, दुश्वारियों का आगमन हो नहीं सकता, दुश्वारियों का आगमन हो नहीं सकता। गौरवशाली लिखी कथाएं हमने तीर कमान से, राजस्थान की परिचय गौरवशाली, मातृचरण जी जी स्वागत स्वागत। गौरवशाली लिखी कथाएं हमने तीर कमान से जी, रेत का कण कण गूंजा है वीरों के बलिदान से, धरती के जल थल में चमके स्वाभिमान की किरण जहां, धरती के जल थल में चमके स्वाभिमान की किरण जहां, हम आए हैं प्राणों से भी प्यारे राजस्थान। वाह अभिनंदन, बहुत खूब बहुत खूब अभिनंदन। जिंदगी को करीब से देखा है, जिंदगी को करीब से देखा है, मौत को भी करीब से देखेंगे। तुम्हारी प्रीत है हमारी जीवन रेखा, सही वक्त आने पर हम उसे भी परखेंगे। महकते रहो चमन के फूलों की तरह, चमकते रहो आसमान में सितारों की तरह, किस्मत से पाई है तुमने ये जिंदगी, दमकते रहो गहने में हीरों की तरह, दमकते रहो गहने में हीरों की तरह। वाह। दुआ की दौलत कोई लूटता नहीं, दुआ की दौलत, दुआ की दौलत कोई लूटता नहीं, पत्थर दिल से छरना फूटता नहीं। दोस्तों दोस्तों जानने की बात बस इतनी है कि प्यार का रंग चढ़े तो छूटता नहीं। वाह लाजवाब, जोरदार तालियां, लाजवाब बात है, एक बार फिर से इसे कहिए। दुआ की दौलत कोई लूटता नहीं, पत्थर दिल से छरना फूटता नहीं। दोस्तों जानने की बात बस इतनी है कि प्यार का रंग चढ़े तो छूटता नहीं। रंग भेद में विश्वास करें, एक मुद्दत के बाद संभावना के क्षितिज पर, एक मुद्दत के बाद संभावना के क्षितिज पर इंद्रधनुष से हो गई मुलाकात। मैंने पूछा कैसे, कैसा चल रहा है तुम्हारा कारोबार, कैसा चल रहा है तुम्हारा रंगों का कारोबार। वो बोला जनाब मैं नहीं करता रंगों का व्यापार, रंगों का समूह तो मेरा अपना परिवार, हर रंग मेरा अपना है, मेरे प्यार मेरी मनोहार का सपना है, रंगों से मैं जुदा नहीं, उनसे मेरा नाता है, उनसे मेरी अभिन्नता है। और सुनो रंग भेद में मेरा कोई विश्वास नहीं, सब रंग मेरे हैं, मैं तो एक ही था जो रूपायित हो गया विविध रंगों में और बन गया विराट, और बन गया विराट, और लम्हे को मैंने शब्द में बांधा है। नमे प्रोग्राम
समय किसी देवता से कम नहीं, उसने हमें बहुत कुछ दिया, उसकी रहमत वाकई बेमिसाल है। समय किसी देवता से कम नहीं, उसने हमें बहुत कुछ दिया, उसकी रहमत वाकई बेमिसाल है। यादों से मालामाल जो कर दिया उसने हमें, हर याद का अपना वजन है, और वजन हम कब तक हुए, क्या हम कुली हैं कमाल, क्या हम कुली हैं कमाल हैं, वो कितना निष्ठुर है जो हमें सुनहरे कल का उपहार देकर हमसे अपना आज छीन लेता है। काश काश समय हमें देता जीने का एक सलीका, लम्हे लम्हे जीने का लम्हे लम्हे जीने की कला, तब हम निहाल हो पाते शायद, तब हम निहाल हो पाते। जोरदार तालियां प्रभाकर जी के लिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं निवेदन कर रहा हूं, बल्कि इसलिए भी कि जितने वरिष्ठ ये हस्ताक्षर हैं प्रभाकर जी, उतनी उम्दा इनकी लेखनी है। और ये कहते हैं कि काश समय हमें देता जीने का, काश समय हमें देता जीने का सलीका, नहीं देता है, कभी कभी नहीं भी देता है। मीना कुमारी बेहद उम्दा शायरा थी, और उनकी एक गजल से उठाकर आपके लिए चंद बिसरे, टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली। धज्जी शब्द का इस्तेमाल देखिए कितना प्यारा है। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, और जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। और जब भी चाहा दिल को समझे अंदर से आवाज उठी, जब भी चाहा दिल को समझे अंदर से आवाज उठी, जैसे कोई कहता है ले फिर तुझको मात मिली। जिंदगी की उदासियां कमोबेश सबके सामने आती है, इम्तहान आते हैं, लेकिन हम इम्तहानों से गुजर सकते हैं अगर हमारे अंदर एक नमी जिंदा रहे जिंदगी भर। क्योंकि सांस लेना जिंदगी नहीं है, जिंदा रहना जिंदगी है। और वो जो नमी है, वो नमी आती है इस पक्ष से, इस खेमे से, जो खेमा कहलाता है कविता का, शायरी का, लिखने का, कुछ रचने का, सृजन का। ये जो रचाव का खिंचाव है, यही जिंदगी का बचाव है, और कुछ नहीं है। मुश्किलात अपनी जगह है, तमाम शिकवे शिकायत के लिए अपनी जगह है, लेकिन मैं पाकिस्तान के एक शायर का शेर अक्सर इस्तेमाल करता हूँ ऐसे मौकों के लिए, कि जाने किस रंग से तस्वीर बनाऊं, जाने किस रंग से तस्वीर बनाऊं, मेरे तो 100 रंग है किसमें नजर आऊं। लेकिन आज का ये जो एक रंग है, ये आप लोगों की बदौलत इतना बेशकीमती बना है, आप लोगों की बदौलत इतना बेशकीमती बना है। चलिए हम उस मोड़ पर आ गए जहाँ से आप लोगों के घर से भी फोन आ रहे होंगे कि कब आओगे, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आ जा रहे भाई। तो कहाँ ये प्यार की सौगात होगी, कहाँ ये प्यार की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। चरागों को निगाहों में महबूज रखना, दूर तलक रात ही रात होगी, मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। जय राजस्थान, जय भारत।